while exploring this beautiful place, मुझे एक बड़ी खूबसूरत सी चीज मिली है which I want to show you guys. आप मेरे बाएं जानिब देख सकते हैं कि पीछे दो दरख्त हैं जिनसे actually properly अल्लाह जो है ना वो लिखा हुआ है. मैं आपको बताती हूँ किस तरह से. एक जो दरख्त है वो अलीफ जो है उसकी शक्ल दे रहा है और बाकी का जो है वो आपको दूसरा दरख्त उससे वाजे हो रहा होगा कि कितना खूबसूरती से लिखा हुआ है. और मैं एक्चुअली गॉट शॉक्ड वाइल वॉचिंग दिस के अल्लाह ताला की जो कुदरत है और अल्लाह ताला की जो कह लें कि एक झलक है आपको नेचर में इस तरह से नज़र आ रही होती है. और वो भी कहा जाता ना कि आपने अगर अल्लाह ताला को जानना है तो सफ़र करें. और मुझे सफ़र की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है, ना सिर्फ आप नेचर से कनेक्टेड फील करते हैं बल्कि आप अल्लाह ताला से भी कनेक्टेड फील करते हैं. और कभी कभी हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है ना कि अल्लाह ताला ने हमें क्यों बनाया. तो बेसिकली अल्लाह ताला ने हमें इसलिए बनाया कि ये जो कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है हम इसको देखें, जानें, इसको समझें, एक्सप्लोर करें और उसमें अल्लाह को तलाश करें. और जब इस तरह की जगहों पर आती है ना तो फिर इस तरह की चीज़ें जब मिलती है तो फिर आपका जो बिलीव अल्लाह ताला पे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है. एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड कि आई फाउंड दिस थिंग. और एक्चुअली ये चीज़ बताते हुए ना मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं कि इस तरह से अल्लाह ताला की कुदरत आपको इस तरह की जगहों पे मिल रही होती हैं. सो आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई फाउंड दिस थिंग. और बस आई डोंट हैव द वर्ड्स, लाइक आई एक्चुअली डू नॉट हैव द वर्ड्स टू से एनीथिंग मोर. आई एम जस्ट गोना सिट हियर और उसको कुछ देर तक देखूंगी और फिर सोचूंगी कि मुझे उसके बाद क्या करना है.